बहुत ऊंचे दर्जे की भक्ति की बात बताऊं कि अगर मेरी निगाहों के अंदर मेरे साहिब ही दिखाई दे, अगर कोई दूसरा भी मुझे दिखाई दिया, दूसरा मतलब कोई पूजनीय व्यक्ति, कोई महाराज हो, कोई संत हो, कोई साधु हो, कोई परमात्मा हो, तो भी मैं ऐसा समझूंगा कि शायद ये मैंने मेरी आंखों से पाप हुआ, इसका प्रायश्चित करके फिर से मैं मेरे साहिब को वापिस उस दृष्टि में लाकर मैं उन्हीं को ही ध्याऊं। इसको सतीत्व कहते हैं। ये अवस्था एक आ जाए तब जाकर ये रास्ता आगे निकलता है। क्यों? इसी बात को कहते हुए कहा कि जो अनन्य आश्रित हो और मेरे अलावा और किसी को न ध्याए, वही मुझे प्राप्त करने के योग्य है। ये गीता में कहा है, बाइबल में कहा है, कुरान में कहा है, हर एक धर्म ग्रंथ में कहा है। मतलब आपका जो इष्ट हो उस एक इष्ट के प्रति आप प्रयाण करें। तो ध्यान रखना किसे कहते हैं? ध्यान इसे रखना कहते हैं कि तेरे अलावा किसी को न ध्याऊं, यही एक ध्यान है। शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। दो इलेक्ट्रिसिटी के सब वायर है, अगर कहीं दो जुड़ गए, शॉर्ट सर्किट। तो इस अवस्था को याद रखे। तो उठत बैठत जागत सोवत, हर एक अवस्था के अंदर ध्यान रहे, उसको ध्यान कहते हैं। आंखें बंद करके ध्यान करना वो एक ध्यान अलग है, पर रोजिंदा जीवन के अंदर, आपके रोजमर्रा के जीवन के अंदर भी ये उठत बैठत जाओगे सोवत ये भूल न होने पाए। कभी कभी आप जब कोई कार्य करते हो, मैं कभी कभी आपको टोकता हूँ कि ये कार्य आप ठीक नहीं करते क्योंकि आपका ध्यान ठीक नहीं है। ध्यान उसको कहते हैं कि कार्य एक निपुणता से हो जाए तो ध्यान हो गया। अगर कार्य निपुणता से नहीं किया तुम बेध्यान थे। ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके किया जाए ऐसा नहीं है। कहा जाता है आंख न रुंधु कान न रुंधु काया कष्ट न होए, खुले नैन साहिब को देखू सुंदर रूप निहारू। खुले नैन भी तुम ध्यान कर सकते हो। कौन कहता है नहीं ध्यान? ध्यान हर एक अवस्था में ध्यान हो सकता है, सिर्फ उस अवस्था से तुम बेध्यान न हो। अगर शिकारी बंदूक चलाता है तो वो भी एक ध्यान है। अगर कोई चित्रकार एक पीछी को घुमाता है तो वो भी एक ध्यान है। कोई संगीतकार है वो एक रियाज करते हुए अपने लय को टूटने नहीं देता, वो भी एक ध्यान है। अगर कोई रेस में गाड़ी चलाता है और एक पॉइंट के ऊपर विजय हो जाता है, वो अपने ध्यान अपने ड्राइविंग के ऊपर पूरी तरह से ध्यान और लौलीन था, वो भी एक ध्यान है। उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान एक वस्तु नहीं है। ध्यान हर एक अवस्था के अंदर तुम ध्यान कर सकते हो, पर हमारी मूल बात थी परमात्मा को प्राप्त करने की। संगीतकार का ध्यान किस में था? उस अपने रियाज को एक मधुरता से पूर्ण करे। चित्रकार जो था वो अपनी कल्पनाओं को एक कागज पे उतारे। इस तरह से तुम्हारे लिए ध्यान क्या है कि तुम उस अलख पुरुष को तुम्हारे अंदर उतार दो, उस परमात्मा को तुम तुम्हारे अंदर प्रकट करा दो और उसके लिए खो जाना, क्योंकि तुम मरोगे तभी वो प्रकट होगा, या तुम या वो। तुम मरोगे मतलब तुम्हारे अंदर रहने वाला मन।